तो कुछ इस तरह से शुरू होता है मेरा सफर रामेश्वरम के लिए। 2800 किलोमीटर्स, 52 आवर्स, फ्रॉम वन होली सिटी टू द अनदर, फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, 6 स्टेट्स, काउंटलेस रेलवे स्टेशंस, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, अरबियन सी, माउंटेन्स, ग्रासलैंड, घाट्स एंड वॉट नॉट। This journey has it all। वैसे तो वाराणसी से रामेश्वरम जाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट द मोस्ट अफोर्डेबल एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल वे इज वाया रेलवेज। और हम ठहरे रेल फैन, तो हम ये मौका कैसे जाने दे सकते हैं। 52 hours on a train covering more than 2800 kilometers was like a dream to me। Hey, my name is Saurabh and this is my trip from Varanasi to Rameshwaram। The date is 26 January 2020। Yeah, back to the time when there was nothing like a Chinese virus। और अभी हो रहा है शाम के 6:50 और मैं हूँ इस खूबसूरत सजे धजे मंडवाड़ी रेलवे स्टेशन पर। और इस स्टेशन की फील जो है वो किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। और ये है बनारस की शान 12559 मंडवाड़ी न्यू दिल्ली शिवगंगा एक्सप्रेस। द ट्रेन विच आई विल बी बोर्डिंग इज 15120 मंडवाड़ी रामेश्वरम एक्सप्रेस विच विल डिपार्ट फ्रॉम मंडवाड़ी एट 9 PM एंड वी विल रीच रामेश्वरम एट 12:45 AM ऑन द फोर्थ डे। 37174 कानपुर वेब 7 लीड्स द 12559 मंडवाड़ी न्यू दिल्ली शिवगंगा एक्सप्रेस टुवर्ड्स न्यू दिल्ली। There will be total 4 loco links of this train throughout this journey। At first, Gonda 16064 WDM3A will haul our train till Prayagraj। समय हो रहा है 9:11 एंड वी आर ऑल सेट टू डिपार्ट फ्रॉम मंडवाड़ी। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम के साथ। और ये जो खूबसूरत व्यू है ना, ये है संगम जहाँ पे 3 रिवर्स का मिलन होता है, गंगा, यमुना एंड सरस्वती।
टाइम इज 11:35 PM एंड वी आर एंटरिंग इन टू प्रयागराज जंक्शन. प्रयागराज जंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन इन यूपी एंड इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन. Our train has a reversal from here and Itarsi WDP 4D will take the charge of our train till Itarsi. After departing Prayagraj, we are crossing the holy Yamuna river. रात काफ़ी हो चुकी है और कोच अटेंडेंट का कहना है कि इलाहाबाद कटनी सेक्शन के बीच में डाकुओं का काफ़ी दबदबा है. सो मुझे अब सो जाना चाहिए और मेरी आपसे मुलाकात होगी कल सुबह जबलपुर में. एंड मीनवाइल वी विल बी स्किपिंग सतना एंड कटनी इन द नाइट. टाइम हो रहा है 6:12 और जब मेरी आँख खुली तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था और हमारी ट्रेन जबलपुर की ओर बढ़ रही थी. The time is 6:51 AM in the morning and we have reached Jabalpur by a delay of 25 minutes. Jabalpur station code is JBP and it's the headquarter of West Central Railway Zone. And now we are off to Itarsi. ट्रेन का दरवाज़ा मिल जाए और ऐसे नज़ारे. अभी हम गुजर रहे हैं नर्मदा रिवर के बगल से एंड दिस व्यू फील्स लाइक यू आर इन हेवन.
दिस प्लेस इज कॉल्ड इटारसी वैली एंड दिस फील्स लाइक अ मिनी कोंकण. द टाइम इज़ 10:43 AM इन द मॉर्निंग और हम एंटर कर रहे हैं इटारसी जंक्शन में. So the logo of our train has been changed to Royapuram Web 7, which will follow our train till Chennai. And our train is departing Itarsi parallel to the 11072 Varanasi Lokman Tilak Kamayani Express, followed by 30065 Vadodara Web 5. यार ये जो चीज़ है ना, ये देखकर दिल से बुरा लगता है. सोशल मीडिया पर तो सब गौरक्षक बन जाते हैं, बट रियल लाइफ में इन्हें ऐसे क्यों छोड़ देते हैं. Here comes the most beautiful part of our this journey, the ghat section. And this is how it felt to me.
अरे रुको भाई, किधर जा रहे हो? ये तो बस हाइलाइट्स थी, जर्नी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। द टाइम इज 12:32 PM एंड वी आर स्किपिंग धारा को।
After crossing all this ghat section from Itarsi to Nagpur, now we are approaching the city of oranges, Nagpur. The time is 4:15 in the evening and we reached Nagpur by almost an hour of delay. But अपने हो क्या, अपने को तो नज़ारों से मतलब है. We departed Nagpur few minutes ago and here we are skipping Ajni, which is 3 kilometers from Nagpur. हो चुका है शाम का और सूरज अब ढलने को आया. वक्त हो चुका है शाम का और सूरज अब ढलने को आया. कुछ भी कहो, इस सफ़र में अभी तक मज़ा बहुत आया. सो द टाइम इज 5:50 इन द इवनिंग और हम पहुंच रहे हैं सेवाग्राम जंक्शन. सेवाग्राम जंक्शन इज कॉल्ड अ जंक्शन बिकॉज हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन एंड न्यू दिल्ली चेन्नई लाइन मीट. एंड जस्ट आफ्टर डिपार्टिंग सेवाग्राम, दिस इज द आइकॉनिक सेवाग्राम. Meanwhile, we were speeding towards Chandrapur. I skipped shooting at the station because I have to meet one of my friend there and I totally forgot about shooting anything there. द टाइम इज 7:40 इन द इवनिंग और हम आ चुके हैं बल्लारशाह. अगर आपको इस रूट से खाना लेना है तो बल्लारशाह इज़ द बेस्ट चॉइस बिकॉज इट सजेस्टेड बाई द कोच अटेंडेंट और कोच अटेंडेंट को सब पता होता है. सो दिस वॉज द एंड ऑफ आवर पार्ट वन फ्रॉम मंडवाडी टू बल्लारशाह एंड अगले पार्ट में हम ट्रैवल करेंगे यहाँ से रामेश्वरम तक. तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रेल फैनिंग.